आई I मीन mean, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ जिस तरह से विकेट कीपिंग विकेट के की पीछे रहता है और वो बिल्कुल राइट पाथ पे है माह भाई के पीछे ही है और जिस तरह से वो गाइड करता है और वो उनमें झलक दिखती है मुझे कि वो माही भाई की तरह है बिल्कुल और उसका भरोसा है बहुत काम रहता है कभी मैंने रन भी पड़ जाते हैं मैंने ऑल दो मैंने अपना नहीं दिखा और फास्ट बॉलर भी रन पड़ जाता है तो बहुत काम रहता है उतना वो परेशान नहीं होता है तो उसमें वो झलक दिखती है और माही भाई के साथ भी यही था सिमिलर था वो ओके अनदर एपिसोड ऑफ़ द दिल्ली कैपिटल्स पॉडकास्ट और काफ़ी स्पेशल गेस्ट है आज हमारे साथ कुलदीप भाई फर्स्टली वेलकम एंड थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और आज हमसे बात करेंगे पॉडकास्ट आपके लिए नई चीज़ नहीं है पॉडकास्ट के तो आप एक्सपर्ट हो तो उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा आपसे बात करके आज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की टीम को ज्वाइन करने की और डीसी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं और पॉडकास्ट की दुनिया में मैं शरताज बादशाह तो नहीं बट मुझे थोड़ा बहुत आता है तो डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा तो पॉडकास्ट तो एक ऐसी चीज़ है ना आप ज़्यादा फुटबॉल के पॉडकास्ट करते हो तो बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग एल्स पहले तो हम एक काम करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं जो कि फ़ुटबॉल कल बड़े मैचेस हुए हैं दो बाय म्यूनिक इज़ आउट जो आपने प्रेडिक्ट कर ही दिया था पहले हमारी जब बात हुई थी दूसरी मैच थोड़ा सा आप चेल्सी की तरफ आपका प्रेफरेंस था बट माय टीम इज़ वन रियल मंड्रेड किंग्स ऑफ यूरोप तो बताइए आप कैसे थॉट्स हैं आपके कल के बाद आई मीन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट गेम थे रियल मड्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था सेकेंड लेग में जब आ रहे थे तो लीड ले आ रहे थे जिस तरह से चेल्सी ने स्टार्ट किया था डेफिनेटली फर्स्ट हाफ 70 मिनट्स तक चेल्सी गेम में थी आ, उसके बाद जब एक रोड्रिगो का गोल पड़ा पड़ा जो मॉड्रिज का जो अनबिलीवेबल बॉल था जो मतलब आप खुश हो जाएंगे जाएंगे देख के जो था वो उससे उसके बाद चेल्सी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेड होने लगी थी पेशेंस खो दी उन्होंने फिर दूसरा गोल बेंजेमा का मारा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आ, गेम चेल्सी अच्छा खेली बट एट दी एंड रियाल मड्रिड को आप हमेशा बोलते हैं कि बड़े मैचों के टीम है और बड़े मैचों में अच्छा खेलती है जो जो डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया लास्ट चालीस मिनट में वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि चेल्सी ने चेंजेस भी किए कानते को बाहर किया वो सबसे बड़ा ख़राब चेंज मुझे लगा थॉमस टुकल का क्योंकि कांते इतना अच्छा फील्ड पे था कल तो वो हकीम जी जी को लेके आना वो मतलब मुझे समझ भी नहीं आया क्या करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं वो अब चेलसी की जो चेंजेस थे उतने अच्छे नहीं थे बट फिर जब आप एक गोल से पीछे हो तो आप चेस करते रहते और डेस्परेट रहते गोल मारने के लिए तो उसमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आती है और जो चेल्सी का गेम होता है नॉर्मली वो उसके अलग भी खेले लॉन्ग बॉल डालने लगे थे तो उसमें रियल मर्डिड का बहुत का कमांड था और बहुत अच्छी डिफेंडिंग की लास्ट के लास्ट के बीस मिनट में रही बात दूसरे गेम की वेलेल वेरियाल को हम आई मीन नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो उतना फॉलो नहीं करते मुझे पता है ओना एमरी वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर है यूरोप में जिस तरह से उसकी टैक्टिक्स हैं और उसको उसका जो स्क्वाड है वो बहुत लिमिटेड स्क्वाड है और उनको पता है कि एक्चुअली मैं फील्ड में करना क्या है कैसे कैसे गेम चलाना है बॉल कैसे रोल करना है बॉल के साथ कैसे विद द बॉल कैसे हैं और जब बॉल उनके पास नहीं होती तो विदाउट द बॉल की प्रेसिंग कैसी है तो डेफ़िनेटली उसमें वो मास्टर है अपनी टीम को अच्छी तरह से समझता है टैक्टिकली बहुत समझ समझदार मैनेजर है दूसरी टीम को समझता अच्छी तरह से कि वो उनकी टैक्टिकली वो क्या करते हैं किस तरह से उनकी काउंटर अटैक पे वो खेलते हैं उनकी प्रेसिंग कैसी है तो वेलरियाल की टीम के सारे प्लेयर को अपना जॉब पता था वो अपनी रेंज में ही खेल रहे थे और अगर आप यूवेंटस वाला मैच देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो आ, एक बड़ी टीम खेल रही थी और स्पेनिश लीग हमेशा ऐसी होती है स्पेनिश में जब भी श्पैन, यूरो स्पेनिश लीग में ला लीगा में टॉप फोर साइड में रहती है हमेशा और और उनका सिमिलर गेम स्टाइल है बासा जैसा आई I मीन mean, बासा बी टीम आप कह लो जिस तरह से वो खेलते हैं विद द बॉल उनका पोजीशन हमेशा बना के रखते हैं और, और एक चीज़ और थी जब बायन के कोच ने शायद स्टेटमेंट दिया था कि कि हम पहले ही लेग में डिसाइड कर देंगे कि कौन सेमीफाइनल जा रहा है तो वो शायद से आप अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे किसी टीम की डिसरिस्पेक्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है शायद वही चीज़ हो गई और बहुत बड़ा रिजल्ट तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे था कि विलरियाल हरा सकती है और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि विल रियाल को हराएगी तो वो एक सही हुआ बट अभी सेमीफाइनल अच्छे होंगे मज़ा आएगा काफ़ी बट ओवरऑल मुझे लगा कि शायद एक मेंटली बहुत स्ट्रांग थी रियल रियालम्रेडिड टीम इसलिए चेल्सी को हरा पाई अगर शायद अगर उसके जगह पर और कोई टीम होती तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती फर्स्ट लेग में भी उनके घर पे जाके खेलना और और जिस तरह से डोमिनेट करना बंजिमा की जो हैट्रिक थी और कुछ कुछ मिस्टेक हुई शायद उन, उस मिस्टेक से ही चलसी इस क्वार्टर uh, फाइनल में हारी बिल्कुल और विलारियाल की गेम की और एक चीज़ भी स्टैंड आउट होती है दो अक्रॉस टू लेग्स दे हैड ओनली टू शॉट्स काउंट बिल्कुल अगर आई मीन यही मैनेजर का काम है आई I मीन mean, जब आप बड़ी टीम से अगेस्ट खेलते हैं फेवरेट्स जो बोली जाती हैं उनके अगेस्ट आपको लो ब्लॉक खेलना ही पड़ता है उनक, उनके अगेस्ट आपको डिफेंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती हो आपका जो बैक फाइव या बैक फोर से आप खेल रहे हो और मिडफील्ड आपकी कैसा डिफेंसिव मिडफील्ड है या ऑफेंसिव है वो बहुत मैटर करती है तो आप विलरेल के, के मैच देखेंगे तो उनका कंपोजर बहुत अच्छा था और जिस तरह से वो डिफेंड uh, डिफेंडर और मिडफील्ड में जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा लग रहा था मतलब कि स्पेस नहीं दे रहे थे जब आप स्पेस नहीं दोगे टीम को तो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है अगर आप कल का मैच देखेंगे चेल्सी रियल मड्रिड में फर्स्ट हाफ में बहुत स्पेस दिए रियल मड्रिड ने तभी वो तीन गोल खा गए थे और उसके बाद जब सेकेंड हाफ में जब जैसे ही वो गोल मारने के बाद उन्होंने स्पेस देना बंद कर दिया कॉम्पैक्ट हो गए तो फिर चेल्सी को स्पेस नहीं मिला तो फिर वो लॉन्ग बॉल डालने लगे थे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तब आती है तो वेल रयाल का सिस्टम अच्छा है हमें उनका 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 जो स्टैंडर्ड है उतना हाई नहीं है बट उन, उनकी लिमिटेशन बहुत सिंपल है हमें उनको पता है कि आ, बड़ी टीम आई है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल मारेंगे हमें एक गोल मारना में जितने मौके मिले काउंटर ट्रैक पे चांस लेंगे और एक चांस मिला उनको और उन्होंने उस पर गोल मारा फर्स्ट लेग में सेकंड लेग में भी लास्ट में जाके वो गोल मारा वो भी क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है फुटबॉल और क्रिकेट जो भी होता है इसमें हर गेम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है तो अगर आप विलरियाल बहुत पेशेंस थी चेल्सी फर्स्ट लेग में इतना पेशेंस नहीं थी रियल मेडिट बहुत पेशेंस थी उन्होंने बहुत कंट्रोल किया क्योंकि ई पी एल के गेस्ट जब भी खेलते हो कोई भी टीम खेलती है ई पी एल की टीम के साथ तो हाई इंटेंसिटी हमेशा मेंटेन रहती है तो उनकी इंटेंसिटी मैच करने के चक्कर में हम अपना गेम नहीं खेलते जो बाहर की टीमें होती है तो वो कंसीड कर जाते हैं गोल वगैरह तो रियाल मड को ये समझ में आ गया था पहले लेग में कि उनका जो 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 भी स्टाइल है खेलने का उसको ना मैच करके अपना स्टाइल में खेलना है बॉल अपने चलानी है अपने कंट्रोल में रखना है गेम तो ये एक चीज़ फ़र्क थी रियाल मडिड में फर्स्ट लेग में और वेल रियाल में कि वो बहुत पेशेंस थे तो जो हमारे साथ जुड़े हुए होंगे फैंस लिसनर्स वो सोच रहे होंगे यार ये तो दिल्ली कैपिटल्स पॉडकास्ट है जो स्पॉटीफाई पे सुन रहे हो और इतनी सारी फ़ुटबॉल की बातें हो रही है तो उनको वापस से यही बताना चाहेंगे कि कुलदीप भाई रेगुलरली पॉडकास्ट करते हैं फ़ुटबॉल पे और क्रिकेट से ज़्यादा फ़ुटबॉल की बातें करते हैं और बहुत बारीकी से गेम को देख के एनालाइज़ करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है और अच्छा लगता है कभी बैठते हैं ना तो क्रिकेट की कम और हम फुटबॉल की ज़्यादा बातें करते हैं बिल्कुल है। मैं क्रिकेट की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ मुझे पसंद नहीं क्रिकेट की बात करना मैं सिर्फ खेलता हूँ और आ, हाँ मैं अपने कोच से ज़रूर बात करता हूँ क्रिकेट की जो मतलब अगर सीरियस टॉपिक है तो क्रिकेट की बात करता हूँ अपने इंडिविजुअल क्या करना है क्या नहीं चाहिए जब होना होना हो, होता है टाइम जब अगर कोई मैच होता है तो फुटबॉल का मैच होता है तो जनरली मैं फ़ुटबॉल बहुत फॉलो करता हूँ बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ टैक्टिकली मुझे इतना पहले समझ में नहीं आता था बट धीरे धीरे मैंने उसको जाना समझा कैसे गेम होता है कैसे मैनेजर क्या सोचते हैं मैनेजर की अप्रोच क्या होती है क्योंकि क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है जिसका मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है हमें लगता नहीं है कि मैनेजर का रोल नहीं है बट जब आप लाइव देखते हैं या फिर आप समझते हैं आप टैक्टिकली आप समझने लगते हैं तो फुटबॉल तब आपको समझ में आता है कि नहीं मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है फ़ुटबॉल में तो मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में और मुझे बहुत पसंद है ऑल दो मैं मैं खेलता उतना अच्छा नहीं हूँ बट डेफिनेटली बहुत नॉलेज है फुटबॉल के बारे में वंडरफुल और जो हम बात कर रहे थे एक टीम की रियल मडरेड की और जो उनकी एबिलिटी है नॉट टू गिव अप टिल द लास्ट मोमेंट वही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे आते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स पे और रिजल्ट्स कुछ भी हुए हो चाहे हम जीते हो हारे हो लोगों ने एक चीज़ appreciate की है टीम की कि गिव अप नहीं करते तो क्या है वो वो फाइटिंग स्पिरिट जो हम सबको जोड़ के रखता है आई मीन आई मीन बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर आप आपके एफ़र्ट अब आप, कभी भी आप रिकी की बातें सुनेंगे कभी आप मीटिंग में जो भी वो स्पीच देते हैं तो वो हमेशा यही बात उनका एफ़र्ट हमेशा चाहिए उनको एफर्ट से मतलब है और ये चीज़ सभी बोलते हैं कि एफर्ट आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए अब एफ़र्ट दे रहे फील्ड पे नो मैटर आप हार रहे हैं जीत रहे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई मीन कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हैं बट अगर आपका एफर्ट अच्छा है आपका एटीट्यूड अच्छा है फील्ड पर तो कहीं ना कहीं आज रिज़ल्ट नहीं आएगा पर अगले मैच में रिजल्ट आएगा तो तो ये चीज़ क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर हैं हमारी टीम में तो अंदर से भी फीलिंग आती है कि नहीं टीम के लिए एफर्ट मारना है जान देनी है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद सराउंडिंग बहुत मैटर करती है अगर आप अच्छे लोगों के बीच में हैं एक एक आपकी टीम में यूनिटी है तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे एफर्ट देने में अपने तो जैसे कि मैं इस टीम में आया हूँ ऑल मैं नया ही हूँ बट आ, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि नहीं ये मेरी टीम है और मैं इतनी जल्दी इस इस टीम में जलप हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी टाइम बिता दिया यहाँ पे तो ये इस चीज़ से क्योंकि आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है कोच कैप्टन मैनेजर या फिर प्लेयरों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इससे फिर एक फैमिली हिस्सा फील होने लगता है फिर आप ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ बिलोंग कर रहे हैं तो ये ये चीज़ फील्ड पर आती है हम एक दूसरे को फील्ड पे भी हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और ये बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जब हारते हो तो ये चीज़ें बहुत आगे आती हैं तो हम दो मैच हारे ज़रूर हैं बट हमें हमें ऐसा लगा नहीं कि आ, हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है और आ, हर मैच में हम उसी मोटिवेशन के साथ जाते हैं और आ, अच्छा परफॉर्म करने की सोचते हैं कि हम अपना एफर्ट अच्छा देंगे बाकी रिज़ल्ट अपने आप अपना ख्याल रखेगा तो ये हमारा प्रोसेस है कि अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है और एफर्ट देते रहना है बिल्कुल और एक और चीज़ है जो ड्रेसिंग रूम में रेके सर ने कही थी कि हार गए थे हम वो गेम कि भाई वापस जाते वक्त ना किसी का चेहरा लटका नहीं होना चाहिए स्माइल करो म्यूज़िक प्ले करेंगे बस के अंदर और खुशी से जाएंगे हम तो स्पिरिट्स इंटैक्ट होने चाहिए हमारे बिल्कुल हम लोग जो लखनऊ से मैच हारे उल्दो हमने बहुत एफर्ट किया उस मैच में और लास्ट ओवर में हमारे लास्ट के दो बॉल में हारे तो वो इस वो दिखाता है कि हमारी टीम का स्टैंडर्ड कैसा है ऑल हम लो डिफेंड कर रहे थे बट एटीट्यूड uh, गिरने नहीं दिया जब जब भी कभी ऐसा लगा फील्ड पे गिरने वाला तो रिशभ uh, था uh, समझाने के लिए या बताने के लिए कि नहीं इंटेंसिटी गिर रही है थोड़ा और अभी बहुत रन चाहिए तो कहीं ना कहीं uh, ये बहुत मैटर करता है चीज़ें और अब यूने हो कि आप लास्ट में आप uh, एक रन से मैच जीत जाओ दो रन से मैच जीत जाओ तो एफर्ट बहुत मायने रखता है और uh, रिकी रिकी हमेशा वही चीज़ को बार बार बोलता रहता है कि नहीं हमें एफ़र्ट चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें वैसे मुझे एफर्ट रहेगा तो अपने आप अगर हम एफर्ट अपना देंगे तो नाइन्टी परसेंट भी अपना एफ़र्ट देंगे तो चांसेस है हमें गेम जीतने के तो सब सुनते हैं उनकी और बिल्कुल सही बातें बोलते वो बिल्कुल और जब हमने उनसे बात की थी जो इस सीज़न हमारा पॉडकास्ट हुआ था उनसे एपिसोड टू में तो उन्होंने आपके बारे में भी बात की थी और आपके बारे में ये कहा था कि आई वॉन्टेड हिम इन दिस टीम और मेरे को पता था कि मैं इस सेटअप के अंदर उससे बेस्ट निकलवा सकता हूँ उसको उस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है वो कॉन्फिडेंस दे के और ऋषभ ने भी एक पोस्ट मैच में यही कहा था कि कुलदीप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेयर एंड ही इज़ इन द राइट सेटअप ही इज़ थ्राइविंग और वो परफॉर्मेंसेज भी आपके देख रहे हैं ना हम सब यहाँ पे मतलब आप जो बात बोल रहे थे कि यहाँ पे आके मेरे को फ़ील नहीं हो रहा है कि मैं नया आया हूँ हमको भी फ़ील नहीं होता हमको ऐसे लगता है हम आपको शायद पाँच छः या ज़्यादा साल से जानते हैं तो आप बहुत क्विकली एडजस्ट हो गए उस पूरे माहौल में क्यों क्योंकि आई मीन आई मीन जब आपको जब आपको फ्रीडम मिलती है जब आपको अपने अपने को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो आप बहुत खुल के आते हैं हर चीज़ आप इन्जॉय करते हैं मुझे याद है मेरा पहला प्रैक्टिस सेशन था और रिकी से मेरी बात हुई थी जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया जिस तरह से उन्होंने मुझे बोला वो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं दूसरी टीम से आ रहा हूँ मैं दो साल से खेला भी नहीं हूँ आई और जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की कि नहीं वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है तू एंड आई वॉन्ट यू टू प्ले ऑल द फोर्टीन गेम्स मेरा वो अप्रोच है और तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है कोई भी चीज़ की ज़रूरत है हम लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए तो वो आप कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है वो चीज़ की अगर आपका आपका कोच आपको इतना बैक कर रहा है और कैप्टन आपको इतना बैक कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस इतना है तो आप फिर परफॉर्मेंस आपकी आज नहीं तो कल आनी है और अब जब आप इंजॉय करने लगते हैं जब आप कंपनी एक दूसरे की इन्जॉय करने लगते हैं लोगों के बीच में आप बैठने लगते हैं आप समझने लगते हैं तो आपको वो आ जाता है कि आप खुश हो जब आप खुश हो तो परफॉर्मेंस होती है जब आप मेंटली फ्री रहेंगे तो डेफिनेटली एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं होगी दो मैच में नहीं होगी बट परफॉर्मेंस होने लगती है धीरे धीरे क्योंकि आप एक दूसरे को चाहने लगते हो आप समझने लगते हो कि क्या चल रहा है और आप अगर आप मेंटली बहुत काम है और इस इस चीज़ में वाटसन ने मेरी बहुत हेल्प की है आई I मीन mean, बहुत लकी हैं आई मीन पर्सनली मैं तो बोलूँगा कि मैं लकी हूँ मैं अपना तीन चार सेशन मैंने वाट्सन को दिए हैं अपने और अपनी चीज़ें शेयर की कि मैं किस किस किसके बीच से गुजरा हूँ मैं मेंटली मेरा कैसा था तो यहाँ आके मैं बहुत काम हुआ हूँ बहुत रिलैक्स हुआ हूँ मुझे पता है एक ही चीज़ के पे ध्यान देना है अपनी बॉलिंग पे क्या करना है बस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है और बस इंजॉय करनी एक दूसरे की कंपनी तो एक सेटअप है यहाँ पर काफ़ी सारे यंगस्टर हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं तो शायद ये प्लस पॉइंट है बिल्कुल और जिनको पता नहीं उनको हम थोड़ा सा आइडिया देना चाहते हैं कि शेन वाटसन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना सिर्फ ऑन फील्ड बट ऑफ द फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं जो है मेंटल साइड ऑफ द गेम ही हैज़ एन एक्सपर्टाइज इन दैट वो लंबे लंबे मेरे को लगता है आपका भी शायद दो घंटे टाइप के सेशन हुए होंगे काफ़ी खुल के प्लेयर्स बात कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं तो उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं उनसे भी एक पॉडकास्ट होगा बहुत जल्दी तो बट्स जस्ट कॉन्टेक्स्ट देना था जो सुन रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे थे एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल अभी आई I मीन mean, uh... ओवर दोर द पास फ्यू ईयर्स ऐसी चीज़ें वापस आई हैं आई I मीन mean, उससे पहले कोई रियलाइज नहीं करता था आई I मीन mean, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो मैंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे उन, उनकी वजह से उनकी क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं गई फिर क्रिकेट से uh, संन्यास भी रिटायरमेंट भी लेनी पड़ी तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है आई I मीन mean, uh, अभी आजकल प्लेयर खुद खुल के बात करते हैं और uh, पहले ऐसा नहीं होता था अभी ऐसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वाटसन का होना बहुत लकी है लकी है यहाँ पे कि हम शेयर करते हैं और मैंने मैंने उनसे दो तीन घंटे बाद दो तीन सेशन किए हैं वो भी काफ़ी लंबे लंबे होते थे जनरली मैं नॉर्मली बात करता था कभी टाइम तो इतना देखा नहीं कि इतना टाइम हुआ बस नॉर्मली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और ऐसी चीज ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं डिस्कस हुई है, जो मैंने किसी से की भी नहीं है तो आप तो आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है उन उन मुझे उन, 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 उन पर और मैं खुल के बात करता हूँ कि मैं क्या फ़ील करता था जब मैं आने से पहले क्या फ़ील करता था अभी मैं कैसा फ़ील करता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही मैं फिर ग्राउंड में भी वैसे ही फील करता हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय करता हूँ मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ मैं और बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिल्कुल और वो दिखता है आप आपकी क्रिकेट इन्जॉय कर रहे हो और वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं ऑल ऑफ फर्स्ट कैन सी इट और बिफोर वी गेट ऑन टू तो द नेक्स्ट थिंग आपको मैंने पहले भी बताया बट फिर से बताना चाहता हूँ कि आप जब जब विकेट लेते हो और आप जो जितनी पैशन से वो सेलिब्रेट करते हो ना वो हम सब इमोशनल हो जाते हैं वहाँ बैठ के स्टेडियम में तो वो हिट करता है बिकॉज वी नो द जर्नी वी नो हाउ मच इट मींस टू यू और फैंस uh, का भी कमेंट्स हम पढ़ते हैं ना बहुत प्यार करते हैं आपको तो अच्छा लगता है देख के वो पॉजिटिविटी वो भी दे रहे हैं हमको बिल्कुल आई मीन पर्सनली मुझे हमेशा लगता था कि मेरे में बहुत टैलेंट है और, uh, और मैं हमेशा सोचता था कि जो भी मैं विजुलाइज़ करता था और वो चीज़ें होती थी मेरे साथ जब मैं बॉलिंग करने आता था तो मैं सोचता था कि मुझे ऐसे आउट करना तो वैसे ही आउट करता था तो मैं मेरी स्किल लेवल में कभी कमी नहीं थी इज जस्ट कि मैं मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग था शायद वो वो उतना मेंटल इतना स्ट्रॉ मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था पिछले टाइम में तो शायद उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा मेरी स्किल पे जब आप प्रेशर में रहते हैं जब अंडर प्रेशर रहते हैं आप आपका दिमाग नेगेटिव थाट्स ज़्यादा चलते हैं तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते आप ऑल आप कितने भी स्किलफुल प्लेयर रहे हैं आप नहीं परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो ये चीज़ लैक कर रही थी शायद कहीं ना कहीं और फिर फिर जब आप जितना मेंटली आप फ्री रहते हैं तो आप स्किल को एग्जीक्यूट कर ले कर लेते हो उतना ही अच्छे से तो फिर आप सोचते भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो डेफिनेटली uh, uh, अभी पिछले दो महीने मेरे लिए बहुत अच्छे रहे इंजरी के बाद का टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था मैं बहुत फ्री था ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था इस जस्ट कि मेरे लिए था कि जस्ट गेम है नॉर्मल गेम है इन्जॉय करना है बाकी हर चीज़ में कोई कुछ कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होगा कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो यहाँ पे लोग हैं हेल्प करने के लिए वो डेफिनेटली बताएँगे तो एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ राइट वे दैट्स वट वी होप इट कंटिन्यूज आप इंजॉय करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है खुश रहो अच्छे स्पेस में रहो uh, आपके इनिशियल क्रिकेट डेज़ के ऊपर भी हम बात करना चाहते थे बट उसके पहले थोड़ा सा आप लाइटर नोट पे जाते हैं और एक आध दो किस्से आपसे सुनना चाहते हैं हम कि ऑन फील्ड किस तरीके की डिस्कशंस चल रही है ऋषभ पंत कैसे कैप्टन है आवेश भी हमको बहुत सारी फ़नी चीज़ें बताते थे कि वो इंटरेस्टिंग होते हैं काफ़ी डिस्कशंस कि वो गलत बॉल डालता था हम देखता ही नहीं था ऋषभ के पास एक्चुअली मैं अभी पिछले मैच में एक केस हुआ था <laughs> जब डीकॉक बैटिंग कर रहा था और पता नहीं उसने कब मुझसे बोला कि बाहर डाल बाहर डाल मुझे दिखाई नहीं पड़ा मैं दो बॉल तक मैंने डाल दी दो चौके भी पड़ गए फिर मेरे पास आते मेरे पास आके बोलता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ तो मैंने क्या बोल रहा है तो फिर बोला पता फिर वो दो, दो बार पूछा मैं से क्या बोल रहा हूँ मैं कहाँ डालना है तो मैंने बोला कहाँ डालना है क्या बोल रहा है तू तो फिर वो चला गया वापस फिर वहाँ जाके बोलता चिल्ला के बाहर डालना है तो तब मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि हाँ ये बाहर बोल रहा है क्योंकि वो थोड़ा बाहर भी खड़ा था आगे लाइन से कि हाँ कि अगर बाहर डालेंगे उसके रीच में शायद वो मारने जाए तो विकेट कीपरों को आइडिया बहुत होता है इन सब चीज़ों में तो ऐसी चीज़ें हैं और और मतलब मैं उसकी अब सुनने लगा हूँ पहले शायद मैं इतना ध्यान नहीं देता था क्या बोल रहा है बट स्पेशली मैं इंडिया टीम में जब भी वो विकेट कीपिंग करता था तब भी वो बोलता था पर मैं उतना ध्यान नहीं देता था शायद मैं उतना ध्यान नहीं देता था अभी मैं उसको अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि क्या चाह रहा है और और बहुत बैक करता है आई मीन स्पिनर स्पिनर्स को बहुत बैक करता है वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बैट्समैन छक्का मारा है चौका मारा है उसको वो, वो सोचता है कि कोई बात नहीं मार रहा है मार रहा है ठीक है पर वो वो हमेशा आपको बेस्ट बॉल बताने की कोशिश करेगा कि हाँ ये डालना है कभी कभी आप रन uh, बचाने के चक्कर में तेज डाल देते हो तो वो चीज़ वो में उसका गुस्सा आ जाता है बट uh, uh, अभी जि, जि, जितने तीन चार मैच में हुए हैं किससे बट उतने ज़्यादा बड़े किस्से नहीं हुए हैं बट वो बहुत काम रह रहा है बहुत काम कामली हैंडल करता है और बहुत परफेक्ट चीज़ें बताता है ये स्पिनर और विकेट कीपर का जो रिश्ता है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यों बहुत से बार वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हेल्प करती है आंखों आखो आंखों में इशारा हो जाता है क्या करना है क्या ट्रैप सेट कर रहे हो आपने माही भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेली आपकी आपकी बेस्ट क्रिकेट भी आप उनके साथ खेले हो तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका आई I मीन mean, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ जिस तरह से विकेट कीपिंग विकेट के की पीछे रहता है और वो बिल्कुल राइट पाथ पे है माह भाई के पीछे ही है और जिस तरह से वो गाइड करता है और वो उनमें झलक दिखती है मुझे कि वो माही भाई की तरह है बिल्कुल और उसका भरोसा है बहुत काम रहता है कभी मैंने रन भी पड़ जाते हैं मैंने ऑल दो मैंने अपना नहीं दिखा फास्ट बॉलर भी रन पड़ जाता है तो बहुत काम रहता है उतना वो परेशान नहीं होता है तो उसमें वो झलक दिखती है और माही भाई के साथ भी यही था सिमिलर था वो वो उन वो बस पीछे खड़े रहते थे बोलते थे कि हाँ ये ये करना है बैट्समैन अगर उनको कुछ लगता था कभी कभी ऐसा होता था कि जब कभी आप आपको रन भी पड़ते थे, थे ना तो अगर वो पीछे से अगर आपके पास अगर एक आवाज़ आ जाए कि नहीं नहीं अच्छा बॉल था तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं तो ये चीज़ बहुत मान्य रखती है अगर विकेट के पीछे से अगर आवाज़ नहीं कोई बात नहीं अच्छा बॉल था तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते बहुत काम हो जाते तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं स्पिनर के लिए बहुत मैटर करती हैं शायद हम इतना ध्यान नहीं देते अगर विकेट 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 के पीछे से आवाज़ अगर आ जाए कि नहीं बहुत अच्छा बॉल था अच्छा मार दिया उसने तो आप रिलैक्स हो जाते हो अगर पीछे से अगर पीछे से आवाज़ आते नहीं यार ये नहीं डालना था तो फिर आप कहीं ना कहीं हो जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और उनका भी हमेशा था और पीछे से आवाज़ देते थे कि अभी ये मारने वाला है शॉट खेलेगा तो वो रखना है लेंथ बाहर नहीं डालना है विकेट पे डालना है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने कि आपको गाइड करती हैं आई मीन ये बहुत 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 कम विकेट कीपर ऐसे होते हैं जो आपसे कम्युनिकेट करते हैं स्पिनर्स से बट अगर स्पिनर्स को सक्सेसफुल होना है तो विकेट कीपर का बहुत बड़ा रोल होता है उसको समझने के लिए कि क्या आ, क्या बताना चाह रहा है और क्या बॉलिंग कर रहा है तो शायद मेरी ने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा क्रेडिट ऋषभ को भी जाता है क्योंकि जिस तरह से वो समझता है मुझे और मैं उसको समझने लगा हूँ कि हाँ अभी ऐसे है वैसे तो है तो अंडरस्टैंडिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है इसकी वजह से विकेट आते हैं तो मेरे लिए तो बेस्ट चीज़ है बढ़िया है और यही चाहते हैं ये पार्टनरशिप इसी तरीके से थ्राइव करती रहे और और भी एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं कि आपका और विकेट कीपर के साथ वाली पार्टनरशिप उसी के साथ एक बहुत हमारी सबकी एक फेवरेट पार्टनरशिप रही है आपकी और चहल की आप दोनों को टैंडम में बॉलिंग करते हुए देख के दो तो मज़ा आता था मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से आप लोग विकेट लिया करते थे दैट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस आई थिंक वी हैव सीन लेटली इन ओडीआई क्रिकेट तो वो कैसे रहा आपका आई I मीन mean, चहल को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ मैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट भी हमारा काफ़ी टाइम टाइम बिताते हैं बाहर घूमते हैं डिनर करते हैं मैं ऋषभ रोहित भाई चहल हमारा एक ग्रुप रहता था जब भी बाहर रहते थे तो क्रिकेट के अलावा भी हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझाए और जब आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो तो फिर फील्ड में कंपटीशन नहीं रह जाता है फिर आप एक भाई की तरह देखते हो उसे कि वो आप चाहते हो कि वो परफॉर्म करे और वो चाहता है कि मैं परफॉर्म करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ होना कि एक बॉन्डिंग जो क्रिएट हो जाती है ना तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो जब भी हम साथ में खेलते थे तो हमारा डिस्कशन भी यही होता था कि जब भी अगर ऐसा होता था कि अभी पहले वो बॉलिंग करता था राइट ही हो तो पहले वो बॉलिंग करेगा लेफ्ट है तो स्ट्राइक पर रहता तो मैं बॉलिंग करता तो कम्युनिकेट uh, अच्छा करते थे हम कि विकेट कैसा चल रहा है और कैसे बॉलिंग करना है तो हमेशा यही प्लानिंग करते थे कि हाँ विकेट कैसे प्रेशर बनाना है बैट्समैन को तो डेफिनेटली अगर एक टीम में दो रेस स्पिनर खेल रहे हैं और दोनों विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं तो डिफ डिफ़िकल्ट होता है बैट्समैन के लिए कि चांस किस पे ले और अगर एक विकेट गिरता है तो हम हमेशा सोचते थे कि दूसरा विकेट आ रहा है दूसरा विकेट आ रहा है तो एक एक आउट होता है दूसरा तो तीसरा तो फिर अटैकिंग स्पिनर्स का यही फायदा है कि वो विकेट के लिए देखता है हमेशा और विकेट टेकिंग बॉल ज़्यादा डालते हैं तो हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेशन के साथ साथ कंपटीशन कभी नहीं था हम बस अपने एक दूसरे को एंजॉय करते थे साथ में खेलते हुए हम सोचते थे कि मिडिल ओवर में रन मिडिल ओवर में विकेट निकाल लें हमेशा अगर हम मिडिल ओवर में अगर हम uh, अठारह ओवर डालें सत्रह ओवर डालें सत्रह ओवर में कोशिश करेंगे कि चार या पाँच विकेट निकालें ताकि टीम तीन के ऊपर टारगेट ना बन मिले तो जब 300 के ऊपर टारगेट नहीं रहेगा तो चेजबल रहता है आज की आजकल की वनडे क्रिकेट में right. तो हमारा यही प्लान रहता था और अब एक दूसरे की सक्सेस बहुत इंजॉय करते थे बिल्कुल और उस दिन एक चीज़ और नोटिस की जिस दिन शायद आपने चार विकेट लिए थे डबल हेडर था उस दिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने भी कुछ तीन विकेट उस दिन उस दिन दिन चार विकेट चा, उन्होंने भी लिए उन्होंने भी चार लिए राइट तो क्या बात हुई आपकी आने की बात हाँ मुझे मेरी मेरी बात हुई थी तो मुझे बोल रहा था कि अच्छा चल रहा है सब कुछ वापस ऐसे ही आएंगे दोबारा तो हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती रहती है मैच मैच बीच बीच में बात भी होती रहती है तो बताता रहता है कि हाँ कैसा कर रहा है मुझे जो भी लगता है अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कर रहा है तो मैं बताता हूँ कि जैसे साउथ अफ्रीका में था अभी वनडे खेल रहे थे वो तो मैं उसको बोला मैसेज मे करके कि थोड़ा सा तेज डाल सकता है तू थोड़ा स्लो डाल रहा है अभी वहाँ पर विकेट स्लो है थोड़ा तो वो सुनता भी है और वो चीज़ बहुत ही माने रखती है कि एक दूसरे को समझते हैं एक दूसरे की बात को समझना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना कि वो कुछ बोल रहा है तो तो अगर नहीं एग्री करता तो रीज़न भी देता कि नहीं मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं सो होपिंग टू सी मोर ऑफ़ कुल्चा हंड्रेड परसेंट बहुत जल्दी वापस खेलेंगे टीम इंडिया में बिल्कुल भाई अच्छा थोड़ा सा है ना फैंस को हमारे हम बताते हैं कि आपकी क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई थी सबसे बेस्ट तो रीज़न क्या था आपका कि आपने क्रिकेट शुरू की आई मीन सॉरी कि आपको शुरू करवाई गई आई मेन क्रिकेट मैंने स्टार्ट मुझे कोई शौक़ नहीं था क्रिकेट में आई यूज़ टू प्ले फ़ुटबॉल मेरा पैर भी टूटा था फुटबॉल में हुँ। तो शायद अभी इसलिए मुझे बहुत डर लगता है फुटबॉल से uh, और uh, छोटा था तो मैं थोड़ा बहुत पतला था बहुत दुबला था तो पापा को लगा कि ये ग्राउंड जाएगा थोड़ा दौड़ेगा तो फिट हो जाएगा तो उन्होंने मुझे ग्राउंड अकेडमी में डाल दिया अकेडमी में गया तो एकेडमी में जाने से मैं पाँच या चार पाँच महीने एकेडमी में था तो मुझे बहुत भूख लगती थी तो दुबला था तो फिर पापा सब कुछ खिलाते थे पनीर खाना ये खाना थोड़ा हेल्दी भी हो गया था मैं थोड़ा मोटा भी हो गया था तो फिर उसी बीच में मेरी स्किल फिर मुझे समझ में आने लगी मेरी इसके लिए टैलेंट है तो उसी को मैं वहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया थोड़ा हल्का सा हेल्दी भी था बट खेल रहा था मेरा आ, मैं हेल्दी हुआ हूँ अंडर uh, नाइनटीन के पास थोड़ा हेल्दी और हो गया था उससे पहले मैं नॉर्मल था मतलब स्लिम था मतलब इतना वेट नहीं था फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव ऐसे ही था वेट मेरा जब अंडर नाइनटीन में इंडिया खेला हूँ टू थाउजेंड फोर्टीन में तब थोड़ा वेट मेरा बढ़ा था फिर उसके बाद फिर कम हुआ था तो स्टार्ट मेरी क्रिकेट ऐसे ही हुई है कि मैं बहुत दुबला था इसलिए पापा ने अकेडमी में डाला था उनका बस ये था कि मैं फ़िट हो जाऊँ खेलूँ खेलने में इतना वो नहीं था बस फिट रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा और आपको शायद पेस बॉलिंग करना ज़्यादा शौक़ होता था आपका कि वसीम अक्रम की तरह बनूँ या कुछ बिल्कुल जब 2003 वर्ल्ड कप था उसके बाद ही वसीम अकरम को मैंने देखा था पहली बार तो मैं वो लेफ्ट आर्म डालता था और मेरा फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा था आई I मीन mean, अभी भी मैं कभी कभी डालता हूँ तो मेरा रेस्ट अच्छा चलता था रेस्ट में कंट्रोल अच्छा था तो अच्छा डालता था तो तो कोच ने मुझे चेंज करा दिया ताकि नहीं ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं पापा की हाइट कम है तेरी भी हाइट कम होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है बॉलिंग करने का तो स्पिन पर उन्होंने बोला करने को ले के लिए तो जब मैं वसीम अकरम से मिला था जब मैं के 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 टाइम में था उनके साथ तो मैंने उनको बोला कि मैं आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था आपकी तरह ही बॉलिंग करता था तो बोले तो बोले मुझे कि अच्छा हुआ तूने स्पिन कर ली तो नहीं तो तू मेरे से मिल नहीं पाता कभी तो so, <laughs> ये चीज़ में मतलब स्पिन uh, ने बहुत कुछ दिया लाइफ में आई I मीन mean, uh, वो अच्छा चेंज है स्विच करना बहुत ज़रूरी था और हम सब जानते हैं कि uh, आप के जो इंस्पिरेशन रहे हैं आइडल रहे हैं वन ऑफ़ वन ऑफ नहीं मैं कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट स्पिनर वी हैव सीन शेन वॉन उन्होंने आपको काफ़ी इंस्पायर किया स्पिन डालने के लिए आई मीन डेफिनेटली जब मैं स्पिन में स्विच हुआ था तो मेरे कोच ने मुझे शेनवान को ही दिखाया है कि ये ये, ये इसकी बॉलिंग देखनी है आपको इसका सीखना है जिस तरह से वो बॉल पकड़ते थे जिस तरह से उनका रिदम था जिस तरह से रिलीज़ था मैंने उनको ही फॉलो किया है तो मुझे याद है कि 2005 थाउजेंड ऐसे सीरीज़ मैंने बहुत क्लोजली देखी है और मेरे लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ रही है अभी तक मैंने जितनी ऐसे सीरीज अप, अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्राम मैं टू थाउजेंड एटीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसके सीरीज़ के अलावा जिसमें मैं खेला था वो छोड़ के टू थाउजेंड फाइव की ऐसी सीरीज़ वन ऑफ तो द बेस्ट रही है और उन वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा आई I मीन mean, उनको समझने लगा फिर uh, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने उन उनके साथ टाइम बिताया उनको समझा उन्होंने काफ़ी हेल्प की फिर लेटली वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरे और uh, और हर चीज़ की मैं डिस्कशन करता था अभी जब देहांत हुआ उनका उनसे पहले दस दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे तो बहुत दुख हुआ था मुझे एक्चुअली मुझे रोना भी मैं रोया भी था मुझे मुझे ऐसा यकीन नहीं हुआ कि कैसे सडनली हो गया ये चीज़ क्योंकि वो मेरी बात हुई थी तब वो इंग्लैंड बोले कि इंग्लैंड आना आ रहा हूँ मैं इंग्लैंड में सेशन करते हैं बॉलिंग के फिर बात करेंगे क्या कर रहे हैं तो तो मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि जिनको मैंने इतने इनको जितना मैं जितना मैं इनको फॉलो किया फिर उसके उनके उस उन्हीं के साथ मैं आगे चल के उनके साथ मैंने बॉलिंग की और बारीकियाँ सीखी और उनके साथ टाइम बिताया और तो वो वो, वो अनबिलीबल टाइम था मेरे लिए कि उनको अच्छी तरह से मैं जान पाया मैं बहुत लकी मानता हूँ कि उनको अच्छी तरह समझ पाया कि कितने बड़े प्लेयर रहे और मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग थे वो तो वो वो सबसे बड़ा लॉस रहेगा मेरे मेरे लिए बिल्कुल और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए क्योंकि किसी को लाइक हम हम सब भी इतना शौक़ में थे कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया इवन आप आज भी सोचते हो तो इट्स डिफ़िकल्ट टू इट हैजेंट संक इन यट हंड्रेड परसेंट मूविंग ऑन कुलदीप भाई आखिरी एक एक आध टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि आपके साथ हमको पता है कि हम एक पॉडकास्ट में डिस्कशन ख़त्म नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे इसको तो एक आध आखिरी टॉपिक पे बात करके फिर हम फिर मिलेंगे फैंस को क्योंकि हमारे पास और भी किस्से होंगे <laughs> दिल्ली कैपिटल्स की ये जर्नी है काफ़ी लंबी जर्नी है इंटरेस्टिंग सी होने वाली है तो टूर्नामेंट की अगर बात करें अब तक आपके स्टैंडआउट मोमेंट्स क्या रहे ऑफ द फील्ड जो हमारे शूट्स हुए थे स्टार्ट में वो भी काफ़ी मज़ेदार होते हैं हम सब तो बहुत इन्जॉय करते साइड से स्टैंड मोमेंट तो नहीं थे वो डेफिनेटली <laughs> <laughs> वो बहुत क्योंकि शूट पहले चार दिन तो चार दिन लगातार शूट थे hmm. और उसमें पाँच पाँच घंटे के शूट थे उसमें डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुझे पसंद नहीं इतना शूटिंग करना एक्टिंग बोल दो मुझे एक्टिंग आती है अच्छी मेरी मेरी टाइमिंग अच्छी रहती थी रिशभ से बट <laughs> मुझे अच्छा ही लगता था <laughs> और उसके अलावा उसके अलावा रिक्की को मैंने बहुत क्लोजली देखा आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने बड़े प्लेयर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना इतना क्रिकेट खेली है इतना सच्चे से समझा है मैंने उतना नहीं समझा था कि वो इतने डाउन टू अर्थ होंगे और इतना यंगस्टर से बात करेंगे खुल के और तो वो चीज़ मुझे बहुत स्टैंड आउट लगी कि इतना बड़ा प्लेयर हो के भी इतना ज़मीन से जुड़ा जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को समझते हैं ऑल दो अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो उसके कैसे बात करना उसको कैसे मोटिवेट करना ये सब चीज़ों में बहुत मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी और शायद यही खासियत रही है ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स की uh, उनका इन्फ्लुएंस टीम में बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी काफ़ी मैंने काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि रिकी पॉन्टिंग का बहुत अच्छा है वहाँ पे और जिसकी वजह से मैं खुश था कहीं ना कहीं जब मैं पहले ज्वाइन करने से पहले कि हाँ मैं रिकी के साथ काम करूँगा तो वो उससे ज़्यादा ही मैंने जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही हुआ है तो डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव था मेरे लिए और साथ में ऋषभ की कप्तानी में कभी खेला नहीं था तो वो भी मैंने देख लिया है वो भी बहुत पॉजिटिव था और सारे लड़कों के साथ मैं मैं खेला ही हूँ डेविड वॉर्नर के साथ हमारी अच्छी राइवरी थी जब इंडिया के लिए खेलते थे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इसको आउट कर सकता हूँ बट अभी टीम के लिए खेल रहे तो वो डेंजरस प्लेयर रहे हैं हमेशा कि कभी भी गेम गेम चेंज करते थे और डोमिनेट करके खेलते थे स्पिनर्स पे ऑल दो आउट हो जाना हो जाते थे बट उनका गेम ही वैसा था तो आई I मीन mean, इन लोग साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक सबसे बड़ा लेसन भी रहेगा इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले टाइम में और क्या क्या गोल्स हैं आपके इस सीज़न के आई I मीन mean, uh, मेरा कोई गोल नहीं है आई I मीन mean, मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल कोई कुछ भी गोल नहीं मैंने गोल बनाने छोड़ दिए मैं पहले कभी भी मैं लंबे गोल कभी सेट नहीं किए गेम बाय गेम सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए कैसे बॉलिंग करनी चाहिए पर ऑल डेफिनेटली सबसे बड़ा गोल तो अल्टीमेट गोल रहता ही है कि डेली कैपिटल को चैम्पियन कराना है तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी पार्ट प्ले करता हूँ तो उससे बहुत खुश रहूँगा मैं बिल्कुल और आई 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 लाइक दैट एटीट्यूड ज़्यादा सोचो मत बिल्कुल आई I mean, आमिन अगर आपको ज़्यादा सोचने से आप रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं और वो चीज़ शायद तरीके को पसंद नहीं है और अगर आप प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आ, तो रिज़ल्ट अपने आप आते हैं अगर आप एक प्रोसेस पे ध्यान देंगे कि गेम बाय गेम अच्छी क्रिकेट खेलनी है एक टीम टीम कैसे अच्छा खेल सकती है क्योंकि ग्यारह को खेलना है एक को नहीं खेलना है तो अगर एज़ ए टीम हम अच्छा खेलेंगे तो हमारे रिज़ल्ट के चांस अच्छे रहेंगे तो वो हमारा फोकस है एज़ ए टीम कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए एफर्ट uh, हम अच्छा रखें प्रोसेस प्रैक्टिस सेशन अच्छे से करें डिसिप्लिन रहें हर चीज़ में वो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है बिल्कुल और लास्टली यही कहना चाहेंगे थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस सब इन्जॉय करें एक दूसरे की कंपनी और अच्छे मेंटल स्पेस में रहें खुश रहें क्योंकि बबल्स एट टाइम कैन बी टैक्सिंग तो हंड्रेड परसेंट आई मीन आई मीन बबल की वजह से शायद हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान हैं क्योंकि आप एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा बिताते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपको बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है तो ये शायद लोगों को पसंद नहीं आता है बबल बट कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी टीम अगर कहीं नई टीम बनती है तो बबल होना शायद प्लस पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि एक दूसरे को आप अच्छी तरह से सम, समझते हैं जानते हैं एक दूसरे की खूबियाँ क्या हैं कि कमियाँ क्या, क्या हैं तो समझते फिर बताते भी हैं तो ये सब चीज़ें बहुत माने रखती है और मैं अपना टाइम बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम श्योर कि फ़ैन्स भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे दिल्ली कैपिटल की परफॉर्मेंस को और जो हमको स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं इस समय उनको हम कहना चाहते हैं कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करो अभी मैं मुझे भी सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे कुलदीप यादव के नाम से मैं हूँ <laughs> और मेरा यही है का मतलब है कि बिल्कुल जल्दी मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट में आ, किसी को कुछ भी आ, बात करनी हो फुटबॉल के बारे में तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है आई <laughs> मीन I mean, क्रिकेट की छोड़ के क्रिकेट के लिए रिकी पॉइंटिंग हमारे पास काफ़ी है <laughs> और बस थैंक यू सो मच सुमित भाई यहाँ पे बुलाने के लिए हम शोर कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी ही करेंगे बिल्कुल कुलदीप भाई थैंक यू सो मच बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और ये थोड़ा सा अलग पॉडकास्ट भी था क्योंकि शुरुआत में शायद लोगों ने एक बार फिर से चेक किया होगा कि सही जगह तो आए ना आई मीन लोगों को एक्चुअली में सबकी सबकी एक हॉबी होती है आई मीन आई मीन मेरी हॉबी तो नहीं है बट बहुत से लोगों को क्रिकेट का ज्ञान देने की बहुत आदत होती है क्रिकेट का ज्ञान अरे ऐसे खेल देता वैसे खेल देता बट मैं वैसा नहीं हूँ बट मैं फुटबॉल की के नज़रिए से देखूँ तो मैं टैक्टिकली मैं समझने लगा हूँ फुटबॉल को अच्छी तरह से और मैनेजर्स प्लेयर्स की पोजीशन कैसी टीम अटैक डिफेंस कैसा है तो इस चीज़ की बहुत नॉलेज हो गई मुझे सो तो इसलिए मैं इस पर बात करना बहुत पसंद करता हूँ और फुटबॉल की कोई भी बात करता है तो मैं पूरा दिन भी बात कर सकता हूँ और ऑल दो मेरे मेरे काफ़ी प्लेयर दोस्त हैं जो यूनाइटेड के भी फैन हैं उनमें से तो हमारी इसी में बात बात होती रहती है इसको लाना चाहिए उसको लाना चाहिए तो आ, बड़ा इन्जॉय करता हूँ मैं अमेजिंग कुलदीप भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंगयर टुडे और दैट वॉज़ कुलदीप यादव फॉर यू और बहुत और भी बातें करेंगे उनसे एंड विल सी यू गाइज वेरी सुन डम थैंक यू